दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा चलती नदी में ब्रिज के पिलर को किस तरह बनाया जाता है। उसी वीडियो में कई सारे लोगों ने सवाल पूछा था कि अगर हम किसी नदी के ऊपर और ज्यादा पिलर नहीं बना सकते तो ब्रिज को सपोर्ट कैसे किया जाएगा और बिना ज्यादा पिलर के सपोर्ट के ब्रिज को कैसे बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ब्रिज देखे होंगे जो काफी दूर तक बिना पिलर के खड़े रहते हैं। क्या आपको उन्हें देखकर हैरानी नहीं होती और ये सवाल नहीं आता कि आखिर इन्हें कैसे इस तरह बिना पिलर के खड़ा किया गया? अगर हाँ तो मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ब्रिज चार तरह के होते हैं, जिनमें से एक होता है सस्पेंशन ब्रिज, और आज की वीडियो में हम इसी ब्रिज के बारे में बात करेंगे जिसका मतलब होता है लटकना। और इस तरह के जो ब्रिज होते हैं ये केबल की मदद से लटकते रहते हैं, इसी वजह से इस तरह के ब्रिज को सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। अब आखिर इस तरह का ब्रिज बनाते कैसे हैं, इसे जानने के लिए कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा दरिया है जिसके बीच में कोई भी पिलर नहीं है, क्योंकि वहां की जियोग्राफिकल कंडीशन वहां पर पिलर बनाना अलाउड नहीं करती। तो बिना पिलर लगाए इस ब्रिज को किस तरह सपोर्ट दिया जाए? तो दोस्तों इसका जवाब है बड़े बड़े टावर और केबल के रूप में इन्हें सपोर्ट दिया जाता है, जिन्हें लटकाकर सस्पेंशन ब्रिज बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो बड़े बड़े टावर हैं जिनसे एक बड़ा सा केबल बनकर तैयार होता है, जिसे सस्पेंशन केबल भी कहा जाता है। और यही केबल आगे कंटिन्यू होकर बना होता है दो अगल बगल से बने एंकरों से, जिन्हें एंकर केबल कहा जाता है। और नीचे की तरफ डैक मौजूद होते हैं। आसान शब्दों में डैक वही होते हैं जिस पर हम अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, यानी कि सड़क। इस सड़क को इस केबल से जोड़ने वाले जो छोटे छोटे केबल होते हैं उन्हें सस्पेंडर्स बोला जाता है, और सबसे ज्यादा टेंशन यानी दबाव इन्हीं पर बनता है। और जो दोनों बड़े टावर होते हैं उनके बीच की दूरी को स्पैन लेंथ कहते हैं। ये जो दो टावरों के बीच की दूरी होती है, जो जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी और उतना ही केबल मजबूत और ज्यादा लगेगा। तो दोस्तों पहले फाउंडेशन टावर बनाए जाते हैं जो जितने ऊपर होते हैं उससे ज्यादा नीचे होते हैं, और उन्हें बहुत ही गहराई तक ले जाकर बनाया जाता है ताकि जो इनकी नींव है वो बहुत ही गहराई तक बनी होती है, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोड झेलने के बावजूद मजबूती से खड़े रहें। अब सवाल ये आता है कि चलते हुए पानी में किस तरह से फाउंडेशन को बनाया जाता है। अगर आपको नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेन केबल, सस्पेंडर्स और डैक को पीस बाय पीस जोड़ा जाता है और सीक्वेंस के हिसाब से ब्रिज को कंप्लीट किया जाता है। और जब डैक यानी जिस पर गाड़ी चलाते हैं वो सड़क बनती है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसके जो पीस है वो ना ही ज्यादा छोटे हों ना ही ज्यादा बड़े हों, क्योंकि इस तरह के जो ब्रिज होते हैं वो ना ही ज्यादा हार्ड होने चाहिए ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए, वरना बहुत बड़ी तबाही सामने आ सकती है, जिसका एक शानदार उदाहरण आप हम नैरो टैकोमा ब्रिज के रूप में देख सकते हैं, जो कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल था जिसके कारण तेज हवाओं की वजह से ब्रिज झूलने लगा और टूटकर बिखर गया। और इसी गलती से सीकर डैक में परिवर्तन किए गए, जिसकी लंबाई चौड़ाई और उसके स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसमें कई सारे अच्छे बदलाव किए गए, जिसके लिए इसे एरोडायनामिक बनाया गया था और कम से कम एयर रेजिस्टेंट हो सके और हवा ब्रिज को डैक को चीरते हुए आगे निकलती चली जाए ताकि हवा के बहाव से ब्रिज को कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों ब्रिज तो बन गया, लेकिन सवाल वहीं अटक कर रह गया कि आखिर कैसे केबल इतनी लंबी लेंथ वाले ब्रिज को सपोर्ट देते हैं और इसे बिना पिलर के थाम कर रखते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग लगाकर काफी लंबी स्पैन लेंथ वाला डैक बना लिया है, लेकिन हमेशा की तरह ग्रेविटी अपना काम करेगी और एक वर्टिकल ग्राउंडवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर ग्रेविटी डैक को नीचे की तरफ खींचेगी, पर दोस्तों डैक के ऊपर लगाए गए सस्पेंडर्स उल्टी दिशा में फोर्स लगाकर डैक को ऊपर की तरफ खींचने का काम करेंगे, और ये जो फोर्स होगा ये मेन केबल की वजह से आता है जो डायरेक्ट टावर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, और ये फोर्स टावर से वर्टिकली डाउनवर्ड चला जाएगा। इसके फाउंडेशन में इसलिए हमने आपको बताया था कि जो टावर होते हैं उसकी फाउंडेशन का मजबूत और गहराई तक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फोर्स लगती है तो वो फाउंडेशन पर चली जाती है। लेकिन कई बार फोर्स ज्यादा लगने की वजह से ये टावर नीचे की तरफ झुकने लगता है, जिसे सोल्यूशन बताया गया है
कि इस टावर से होते हुए मेन केबल हो या तो एंकर में कनेक्ट कर दो और इस फोर्स को बैलेंस कर दो, या फिर सेम स्पैन लेंथ वाले डैक आगे की तरफ बनाते चले जाएं ताकि एक दूसरे का फोर्स बैलेंस कर सके और टावर ना इधर की तरफ झुके ना उधर की तरफ झुके। पर दोस्तों अंत में सब कुछ बैलेंस करने के लिए एंकर लगाना ही पड़ेगा। ऐसे में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि पूरे स्ट्रक्चर को किस तरह काम पर लगाया जाता है और कैसे सस्पेंशन ब्रिज बनकर तैयार होता है, जो बनता तो बड़ी मुश्किलों के बाद है, लेकिन इसे बनने के बाद कई सारी चीजें आसान हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम लंबे लंबे ब्रिज बना सकते हैं और इन्हें बनाने में कम मटेरियल की जरूरत होती है, यानी कि लागत कम लगती है। पर मुश्किल ये है कि ये किसी सॉफ्ट फाउंडेशन पर नहीं बन सकते, क्योंकि टावर बनाने के लिए जो बेस होता है उसका हार्ड और मजबूत होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मेन टावर के ऊपर बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगता है, इसलिए फाउंडेशन का मजबूत और हार्ड होना बहुत आवश्यक है ताकि वो कंप्रेसिव फोर्स को सहन कर पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, सस्पेंशन ब्रिज फ्लेक्सिबल होते हैं जिसके कारण ये भूकंप वगैरह को अच्छी तरह से सहन कर लेते हैं, परंतु इनके फ्लेक्सिबल होने के कारण ये तेज हवाओं से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, जिस पर चलने में डर लगता है। इसी वजह से इस तरह के ब्रिज को ना ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना ज्यादा हार्ड होना चाहिए, ताकि आसानी से सब कुछ बैलेंस हो जाए। उम्मीद आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।